मैं ज्वाइन किया था इंडियन कॉलेज 73 में. उस समय यूज टू बी 10 दसवीं के बाद यूसी करके निकले तो एक बार तो हमारे मिन्नाई और मेरे प्रोफेसर भी रहे नरेंद्र सिंह जी. और आज हमने एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज की है. पिछले दो साल हम नहीं कर सके क्योंकि COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, तो इसलिए ये अभी कोई ऑलमोस्ट हम दो ढाई साल के बाद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो यही है कि हमारे जो ये पास आउट हैं इनसे हमने फीडबैक लेनी है, इनकी वैल्यूएबल सजेशंस लेंगे, इनके एडवाइस लेंगे कि हम और फर्दर अपने कॉलेज में क्वालिटी कल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आज जो मैंने देखा कि हमारे कुछ बड़े पुराने एलुमनाई जो हैं जिन्होंने 70s में कॉलेज को पास आउट किया है वो भी हैं, और कुछ बिल्कुल जो नए हमारे एलुमनाई हैं जिन्होंने अभी दो तीन साल पहले ही कॉलेज को पास आउट किया वो भी आए हुए हैं. तो ये डिफरेंट जनरेशन्स के लोग हैं और सभी के साथ सुबह भी हमारी इंट्रैक्शन हो रही थी, अभी भी हमारी इंट्रैक्शन चल रही है. तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि एक टाइम था जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो तब ये प्योरली मेल कॉलेज था. सर अपना इंट्रोडक्शन. जी मेरा नाम रंजीत कालरा है, मैं MM कॉलेज 92-95 बैच का स्टूडेंट हूँ. आज यहाँ बड़ी खुशी हो रही है कॉलेज में आके दोबारा, क्योंकि कॉलेज ने एलुमनाई मीट का ऑर्गेनाइज की है और ख़ासकर हमारे जो सुपर सीनियर्स हैं इम्पॉर्टेंट लोग गुलचैन सिंह चाड़क साहब जो 1961 बैच के हैं, फिर फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा साहब वो यहाँ पे हैं. आई थिंक ये बहुत अच्छा एक अवसर है जहाँ अपने सीनियर्स की ब्लेसिंग लेने का मौका मिला और दोबारा कॉलेज को विज़िट करने का मौका मिला. कॉलेज ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारे न्यू एडिशन्स कॉलेज में हुए हैं, तो हम एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से कॉलेज के लिए अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें तो बड़ी खुशकिस्मती हो.